काफ़ी छोटा बच्चा है। ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर जगह है, रिस्क लेना सही नहीं है। जिंदा है, जिंदा है। काटे, इसमें काटे रख दे, रख दे, रख दे, काटे वाली है जी। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? एंड हम लोग जा रहे हैं अभी घूमने के लिए, और आयुष और मैं हूँ, ये आयुष। तो चलते हैं हम लोग आगे, आप लोग को दिखाते हैं कैसे जगह पे हम लोग जा रहे हैं अभी घूमने के लिए। तो सर हमारे साथ बने रहे और इन्जॉय करें। अभी दिखाते हैं, रुको, हम लोग जंगल में आए थे, अभी बारह सिंगा दिखा रहे हैं, वो देखो आप। सो गाइस देख सकते हैं आप लोग, ये बारह सिंगा खड़ा है, जूम कर, जूम जूम करता है, ये देख लो आप, ये किधर है? वो जंगली सुअर, जंगली सुअर इधर से, वो देखो, देख मोर, वो गए, वो सुअर है, जंगली सुअर, इधर जंगली सुअर है, काफी छोटा बच्चा। अरे आ तो सही, यहाँ शेर तो नहीं होंगे, अभी भालू हो सकते हैं। सो गाइस मैं जा रहा हूँ, अभी देखते हैं आगे चल के, मोर वोर है यहाँ पे, वो देख भाग रहा है एक, वो एक दो तीन, सो गाइज हम लोग अभी पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। और एक चीज़, एक इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को, अगर कभी भी आपको दिखे ना कि बारह सिंगा और एंड जो भी जानवर हो कहीं पे वो भाग रहा, उछल कूद रहा हो, तो समझ जाना कि बहुत खतरा है, तो बहुत जाए मत करो आप लोग, क्योंकि इंसानों से पहले जानवर को पता चलता है, इंसानों से, हाँ ये बात तो है, इंसानों से पहले जानवरों को पता चल जाता है। और ये सामने ये देख लो नहर है, तो यहाँ से शेर वेर भी आते हैं, बहुत सारे भालू भी है, टाइगर रिजर्व है ना पूरा टोटल यहाँ पे, ये देखो बहुत घना जंगल है इधर। आप लोग ये चेक करें, ये देखो कितना ज़्यादा अच्छा है, ये पूरा पानी भरा एकदम, और अभी सनसेट भी होने वाला है। बादल देखो, एकदम से बादल घने एकदम छाए हुए हैं, पक्षी की आवाज़ से लोग सुन सकते हैं एकदम। और एक दुकान है यहाँ पे रामनगर पे, यहाँ के सोन पपड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है जंगल के अंदर, ये देखो सोन पपड़ी यहाँ के। जब योगी जी आए थे टाइगर रिजर्व में चूगा में, हाँ, तो ये खा के गए थे यहाँ पर आके, तब से और ज़्यादा फेमस हो गए अपने नगर में। नहीं भाई मज़ा आएगा, बहुत टेस्टी है ये। हाँ हाँ, कभी आओ हमारे पीलीभीत टाइगर रिजर्व में घूमने के लिए। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं और आगे चल के दिखाते हैं, इसका एक वीडियो पहले भी हमने डाल चुके हैं बट वो सही से बना नहीं था, अब दिखाते हैं आप लोगों को। गाइस देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा कोहरा है, ये कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं दिख रहा है, देखो पूरा कोहरा ही एकदम चारों तरफ से, ठंड लग रही है यार, ठंड लग रही है यहाँ पे, मेन बात तो ये बिल्कुल ठंड लग रही है, चारों तरफ कोहरा एकदम। ओ भाई कितनी खतरनाक है, अभी तो खतरनाक वाले जंगल से आ गए और एक चीज़ खतरनाक दिखने को मिल गया, एकदम पूरा कोहरा एकदम। कितनी ठंडी आवाज है, ओए आयुष कितनी ठंडी आवाज आ रही है, देख तो ठंडा लग रहा है एकदम से, बहुत ठंडा लग रहा है, देखें यार इसे छू, नाली वाली फीलिंग आ गई। और देखो कुछ डॉगीज है यहाँ पे, आओ हो हो ओ भाई ये चाट रहा है पूरा, ये देखो बस 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 किसी ने दे, अच्छा बहुत शांत है, ये शॉप बंद हो गए वरना इनके लिए कुछ ना कुछ जरूर लाते हैं, कुछ खिलाते हैं इनको, बिस्किट वगैरह। चलो ये छोटा सा पपी भी है वहाँ पर, इनको ठंड लग रही है, ठंडा मौसम है बहुत। एंड गाइस बताना आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, और अभी एक जगह और जाना है हम लोग, वीकेंट एरिया है जहाँ आर्मी लोग रहते बहुत सारे, बट उसका वीडियो बनाना अलाउ है नहीं, मुझे नहीं पता, अगर अलाउ होगा तो दिखा देंगे, वरना तो बहुत बहुत काफ़ी। और पीछे का आप लोग फॉग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छा है। जा रहे हैं रामनगर पे और आर्मी कैंट एरिया पे जा रहे हैं बेसिकली। एंड गाइस हम लोग अब बस पहुंचने वाले हैं आर्मी एसएसबी कैंप एरिया में। सीमा बल
बाकी का सुनो, सुनो बस पानी की आवाज़ सुनो। और ये देखो आयुष कुछ बोलेगा भाई को, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना सब कमेंट्स में। दिखा कोई जवान वगैरह तो दिखाएंगे आपको। चल नीचे जा, चलो। स्विमिंग भी नहीं आती मुझे। हिल्स वगैरह है ना, इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है यहाँ पे। देख रहे हो कैसे दोस्त होते हैं, अकेले छोड़ के चले जाते हैं। एंड इसमें बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं। बहुत सारे क्रोकोडाइल हैं एक्चुअली में, कई बार देखा है कि धूप वगैरह निकलती है तो धूप में वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यहाँ पर निकलती हैं। तो उस साइड हुआ तो आपको अभी दिखाएंगे बहुत सारे क्रोकोडाइल। तो चलो अब लोग आगे चलते हैं। और बहुत गहरा है यहाँ पे, कोई गया तो बस गया, उसको उठाने के लिए कोई नहीं आया यहाँ पे। सो गाइस कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट करके बताना। एंड और भी आगे जाना है, और सारे चीज़ें दिखाना है आप लोगों को। सो हम लोग ऊपर जा रहे हैं और आगे की नज़ारा दिखाते हैं आप लोग। और बने रहो, बस वीडियो को स्किप मत करना और इन्जॉय करते रहो। आज हम लोग जा रहे हैं अभी नीचे, और काफ़ी ज़्यादा नीचे यहाँ पे क्रोकोडाइल्स है बहुत सारे। ये चेक करें आप, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, मज़ा आ गया यार मुझे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, वाह। आंटी जी फिशिंग कर रही हैं, चलो चलो उनसे उनसे जाके बात करते हैं। आंटी जी एक फ़िशिंग कर रही है। ये आयुष पूछने का अम्मा को कौन सा मछली मिला है, तो चलो देखते हैं अम्मा को कौन कौन सा मछली है और पूछते हैं उनसे। आयुष पूछ लिए तूने कौन कौन सा मछली मिला है? आधे घंटे से बैठी हैं, शायद एक या दो मछली मिली, दिखा भी रही हैं। ये देख, दिखाएंगे जरा। एंड अम्मा को दो मछली मिली है बस, और दिखाते हैं। आयुष बाहर निकालना जरा, निकाल। ये देखो आयुष ने 22 मछली निकाली। ओ भाई अभी जो जिंदा है। काटे इसमें, काटे रख दे काटे वाली है जी। यहाँ पे अम्मा को मिली है दो मछली बस, आधे घंटे से बैठे और दो मछली मिली है। तो बताओ काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद बस दो मछली मिली है। कुछ बोलना चाहेगा आयुष उसके बारे में? अम्मा के यार बहुत ही पेशेंस का काम है यार जी। हाँ। बहुत ही पेशेंस है अम्मा में। हाँ अरे बात तो है। ये देखो गाइस कितनी खतरनाक रास्ता ऊपर जाने का। ओ ओ ओ ओ ओ अरे बाप रे, मेरे हाथ में लग गया। चलो जय श्री राम बोल के ऊपर उठ जाओ। वीडियो लाइक पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग।